हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर, जहां पर आइस नेटवर्क के बारे में हम बात करेंगे। फ्रोस्ट बाइट ऐप को लेके काफी ज्यादा डिमांड्स आ रही थी कि वीडियो बनाइए सर, और टेलीग्राम पर वैसे मैं अपडेट दे रहा हूं आपको कंटिन्यूसली। जिन्होंने भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है उनको पता है कि अच्छे से मैं वहां पर सारी अपडेट्स दे रहा हूं। तो इसमें हम बात करेंगे जो तीन मेजर इशू हम यहां पर फेस करें, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे काफी ज्यादा डीएम वगैरह किए हैं ट्विटर पर कि हमें ये नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है। तो गाइज, उसके रिगार्डिंग मैंने वैसे तो कल वाली वीडियो जो हमने नाइट में बनाई थी, काफ़ी हड़बड़ी में बनाई थी, लेकिन वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि जब इन्होंने अनाउंसमेंट ही ऐसी दी है कि ये बेटा रिलीज है। आप अगर देखोगे यहाँ पर इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा रिलीज, और इसका मतलब भी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने ये बोला ही इसीलिए क्योंकि फ्रोस्ट बाइट जो ऐप है फिलहाल सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए है, क्योंकि आने वाले टाइम पर तो ये सभी पर हमें देखने को मिलेगी, पीसी के लिए भी, विंडोज़, लिनक्स के लिए, आईओएस के लिए, तो हर कोई इसको यूज़ कर पाएगा। बट फिलहाल बेटा रिलीज इनका बोलने का मतलब यही था कि ये कुछ टाइम तक, हो सकता है 2 दिन 4 दिन या फिर 1 वीक तक ये थोड़ा सा टेस्टिंग फेज काइंड ऑफ थिंग रहने वाला है, तो वहां पर थोड़ी इश्यूज तो आएंगी। जैसा कि फ्रोस्ट बाइट ऐप की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा क्रेश हो चुका था ये कल, जैसे ही ये लॉन्च हुआ था हमने इसके बारे में अपडेट दी थी, वीडियो बनाया था, उसके 1 घंटे बाद ये पूरा क्रेश हो गया था। यानी कि काफी ज्यादा यहाँ पर हाई ट्रैफिक आ गया था, काफी लोग इसको यूज करना तुरंत शुरू कर रहे होंगे, तो जो सर्वर था उसमें प्रॉब्लम आ गई थी जो कि कंटिन्यूसली पूरा नाइट रही थी, और सुबह जाके थोड़ा सा ये सही हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से सर्वर एरर हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। और ये सारे अपडेट्स गाइस मैं आपको कंटिन्यूसली टेलीग्राम पर दे रहा हूं, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल तो जरूर से ज्वाइन यहां पर कर ही लें, जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हो। और एक चीज और गाइस, काफी लोग पूछ रहे थे कि सर हमने आपका रेफरल कोड जो है जस्सी स्टार वो डाला है, लेकिन हमें कोई रिवार्ड वगैरह वहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो गाइज, ये भी एक ग्लिच है। जो तीन मेजर इशू हमने यहाँ पर देखी थी उसमें से ये भी एक ग्लिच है कि रिवार्ड जो है हमें हमारा जो सेशन स्टार्ट किया हुआ है उसका भी नहीं दिख रहा है, और ना ही हमें हमारा रेफरल वाला रिवार्ड दिख रहा है, ना ही रेफरल काउंट दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें गाइज हमें जल्दी ही देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है या फिर हमारा ये सारा लॉस्ट हो जाएगा, सबको $5 जो है वो अपने आपके अकाउंट में डेफिनेटली आपको क्रेडिट होता हुआ नजर आ जाएगा। ये कल भी हो सकता है, जैसे होगा वो आपको टेलीग्राम पर पता चली जाएगा, जैसा कि हमने ऑलरेडी यहां पर बताया हुआ है। तो जैसा कि यहां पर मैंने ऑलरेडी ये बताया था गाइस कि रिवार्ड शोइंग 0, रेफरल काउंट 0, और साथ ही साथ गाइस अभी तो एक प्रॉब्लम और भी था कि ये सर्वर एरर दिखा रहा था, टेक्निकल एरर जो दिखा रहा था वो भी एक समस्या थी। तो फिलहाल गाइस एक चीज मैंने यहां पर आपको बताई थी कि रेफरल काउंट जो 0 दिखा रहा था तो वो अभी थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है। हालांकि मैंने यहां पर वोटिंग भी करवाया था, यहां पर एक पोलिंग, तो वहां पर कुछ लोगों का अभी भी कहना है कि नहीं हुआ है, हालांकि ज्यादा वोट तो नहीं, यहां पर आई थिंक 9 वोट्स हैं। उस हिसाब से गाइज यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने कहा है कि यस उनका अभी ये प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो गया है, बट कुछ लोगों का शायद नहीं भी हुआ होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ज्यादातर लोगों का अभी नहीं हुआ होगा और कुछ लोगों का हो भी गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये भी अभी ऑन गोइंग प्रोसेस में चल रहा है, यानी कि उस पर भी ये काम कर रहे होंगे फिलहाल। बट गाइज मेरे केस में मेरे रेफरल काउंट मुझे शो हो रहे हैं, और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनसे मैंने बात की है तो उनको भी अपने रेफरल काउंट वहाँ पर शो हो रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम शायद अभी सोल्व हो गई है। बट फिलहाल जो रिवार्ड 0 दिखा रहा है और साथ ही साथ गाइज जो रेफरल रिवार्ड नहीं दिखा रहा है वहाँ वो भी 0 है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बिल्कुल 0 है, तो वो भी एक इशू है जो कि मैं कंटिन्यूसली इनसे बात भी कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि 1-2 दिन में हमें ये सारी चीज़ें अच्छी होती हुई नजर आएंगी, बट इतना ज़्यादा हड़बड़ी मत दिखाइए, थोड़ा पेशेंस दिखाइए गाइज, और अपने थोड़ा इस पर बिलीव दिखाइए। अगर आपने आइस नेटवर्क पर ट्रस्ट किया है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा पेशेंस भी दिखाना पड़ेगा, और 1-2 दिन बाद हो सकता है हमें और भी अच्छी अच्छी न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जैसा कि ये इसका जो बेटा रिलीज है, ये इसका कोई अपडेट भी आ सकता है, तो वो भी सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। इससे भी इंपॉर्टेंट गाइस अगर मैं बताऊँ आपको, तो नोट कॉइन पर भी आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि हम इसको क्लेम कैसे करेंगे। तो ऑलरेडी जैसा कि मैंने टेलीग्राम पर बताया था गाइज आपको कि जो नोट कॉइन है वो क्लेम प्रोसेस तो इसका ओपन हो गया था, कुछ घंटे पहले ही हो गया था, दिन में ही हमने बता दिया था आपको कि जो नोट कॉइन है उसका क्लेम है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। बट वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि ये सिर्फ टेलीग्राम जो प्रीमियम लिया हुआ है जिन्होंने उन्हीं के लिए ओपन हुआ है, यानी कि अगर आपने टेलीग्राम का जो प्रीमियम मेंबरशिप है चाहे वो मंथली एनुअली जैसा भी आपने लिया हुआ है तो ये क्लेम ऑप्शन आपके लिए काम कर रहा है, अब इसको आप क्लेम कर सकते हो। वैसे तो मैंने यहाँ पर आपको प्रोसेस भी बताया है थोड़ा सा वैसे कैसे कैसे आप कर सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर गाइज ये टेलीग्राम प्रीमियम मेंबर्स के लिए है। तो यहाँ पर गाइज आप विड्रॉल लगा सकते हो, एक्सचेंज पर भी डायरेक्टली लगा सकते हो, या फिर अपने टोन वॉलेट के अंदर भी ले सकते हो, तीन ऑप्शन आपको वहाँ पर नजर आते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सचेंज पर ही कर लें तो ज़्यादा बेटर है, और बायबिट पर कर लें, एज ए इंडियन यूजर मैं बता रहा हूँ आपको कि बायबिट एक्सचेंज आपके लिए अच्छा रहेगा। और गाइस जो फीस है उसमें भी यहाँ पर कोई मसला नहीं है, यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई लफड़ा नहीं है कि हमें टोन रखना पड़ेगा या कोई अदर ब्लॉकचेन, तो यहाँ पर नोट में ही हमारी फीस लग रही है, यानी कि 1.5% जो नोट है वही हमारी फीस लगने वाली, जैसा कि आप देख सकते हो एक्सचेंज पर फीस भी नोट कॉइन में लगेगी और वो लगेगी 1.5%। सपोज अगर आपके पास 10,000 है तो उसका 1.5% जो कम टोकन है वो आपको कम मिलेगा, तो ये फीस का हो गया सारा मैटर। दूसरी चीज़ गाइस जो नोट कॉइन है फिलहाल आप देख सकते हो इसकी जो लिस्टिंग प्राइस है यहाँ पर इन्होंने अलग बताई थी थोड़ी सी
वो थोड़ा सा यहाँ पर अलग है, हालांकि लगभग ये इतना ज़्यादा अंतर नहीं है गाइज। वहाँ पर 2.0 कई लोग बोल रहे थे कि 2.0 को बाद में 1.2, तो वो टोन में प्राइस था। यहाँ पर USDT में हम बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी ये लिस्टेड है, कुछ एक्सचेंजेस पर ट्रेड भी हो रहा है गाइज, जैसा कि 3 से 4 एक्सचेंजेस जिसमें से XT.com पर सबसे पहले शुरू हुई थी। अगर हम लॉन्च पूल की बात करें और प्री ट्रेडिंग की बात करें तो वो Gate.io पर भी हो रही है, और धीरे धीरे 16 मई तक लगभग जितने भी एक्सचेंजेस है, हमने आइडिया लगाया था 10 से 12, लेकिन ये 15 से भी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं गाइज, तो सभी पर ये लिस्टेड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइस काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिख रहा है 0.02, बट क्या ये रहेगा एंड तक, यानी कि थोड़ा लंबे टाइम तक हमें देखने को मिलेगा। अगर आप में से जैसे कि एवरेज यूज़र की भी बात करें, जैसा कि मैंने भी एक दो वीडियोस में पूछा था कि आपके पास कितने नोट कॉइन एज ए रिजल्ट बचे हुए हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने बताया कि उनके पास 9,000 हैं, किसी के पास 10,000, किसी के पास तो 20,000 भी हैं। तो एवरेज यूज़र की हम बात करें तो शायद 10,000 के आसपास तो सभी के पास होंगे ही होंगे। तो इस सेम प्राइस पर गाइज वैल्यू बन रही है, जैसा कि आप देख सकते हो $211 के आसपास। तो अगर ये सेम प्राइस रहती है, और मैं तो चाहता हूँ कि रहे, कम से कम हमें थोड़ी वैल्यू मिले अच्छी खासी, तो 15-16 हज़ार का यहाँ पर प्रॉफिट सबको हो रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बुरी डील है। हालांकि कई लोगों ने वोचर वगैरह पहले ट्रेड कर दिए तो उनको थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, लेकिन इतना भी फर्क नहीं आया गाइज, ऐसा नहीं है, जस्ट $60-70 का डील हो गया होगा बस। तो जो भी है, मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम बेटर है, हमें मिल रहा है, क्योंकि कुछ तो स्कैम भी कर जाते हैं, एटलीस्ट हमें कुछ वैल्यूज तो मिल रही है, और हमने ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा तीर मारा है यहाँ पर, बस टैप टैप किया है और कुछ टास्क किए हैं डेफिनेटली, तो उसके बदले में काइंड ऑफ हमें एयरड्रॉप मिल चुका है, तो ये बढ़िया बात है। बाकी नोट कॉइन पर हम डेफिनेटली बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल जो टेलीग्राम प्रीमियम नहीं लिया हुआ है जिन्होंने, तो उनके लिए ये क्लेम ऑप्शन नहीं है, तो मैं जस्ट वेट करने वाला हूँ गाइस एक दिन या दो दिन का, क्योंकि 16 मई तक तो हम वैसे भी इसको सेल नहीं कर सकते कुछ एक्सचेंजेस पर एटलीस्ट, जैसा कि XT.com वगैरह, तो मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप वहाँ पर इसको विड्रॉ करें, बिकॉज विड्रॉ का ऑप्शन भी आपको सिर्फ बाइनेंस, बाइबिट और एक और एक्सचेंज है OKX, यहाँ पर आपको नजर आने वाला है। तो OKX हम एक्सेस कर नहीं सकते, बाइनेंस भी आप में से काफ़ी लोग नहीं कर पा रहे होंगे, तो डेफिनेटली बाइबिट ही एक ऑप्शन बचता है, तो बाइबिट पर आप अकाउंट बना लेना, उसका लिंक भी आपको गाइस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वो अभी थोड़ा सा सेफ है और कहने की हम एक्सेस कर सकते हैं एटलीस्ट, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली वही ऑप्शन आप चूज करना कि आप वहाँ पर उसको लो। बाकी आइस नेटवर्क की अगर हम बात करें गाइस, तो कल हम डेफिनेटली दोबारा से भी बात करेंगे जैसे कोई अपडेट आएगी, बट फिलहाल फ्रोस्ट बाइट पर आप एक ही काम करना है आपको, कि जैसा लिंक आपको ये वाला जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम पर तो डाल ही रखा है, और जो रेफर कोड है गाइस जस्ट स्टार, उसको आप मस्ट यूज करना गाइस, क्योंकि $5 तो आपको फॉर श्योर मिलेगा ही मिलेगा, ये मैंने कन्फर्म किया है वाया ईमेल इनकी टीम से, तो वो रिवार्ड हमें मिलने वाला है, बस वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ड्यू टू सर्वर एरर्स, काफ़ी ज़्यादा हाई ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो गाइस थोड़ा सा टाइम तो हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हमें इतनी हड़बड़ी नहीं दिखा सकते, क्योंकि आइस की टीम है, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत होगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, बस 2-3 दिन हमें वेट करना पड़ेगा सारी चीज़ें अच्छे से काम करने के लिए, और अभी तो बहुत कुछ बाकी है गाइस, क्योंकि प्ले स्टोर वगैरह पर भी ये लिस्टेड होना है, काफ़ी सारे काम हो रहे हैं बिहाइंड द सीन, और काफ़ी मिलियंस ऑफ पब्लिक ने इसको डाउनलोड किया है, तो ये थोड़ी सी इशू तो आना बनता ही था। और प्राइस की बात करें गाइस, तो ये अच्छी खासी गई थी वैसे तो कुछ एक्सचेंजेस पर, 48 पैसे तक भी टच करके आई थी, और वापस थोड़ी सी डाउन दिख रही है, बट प्राइस का अभी फिलहाल फैक्टर ना ही देखे तो अच्छा है, क्योंकि फ्रोस्ट बाइट ऐप का जब एक्चुअल यूज केस आएगा और टिप टू माइन प्रोजेक्ट आएगा, तो थोड़ा सा हाइप यहाँ पर डेफिनेटली बनेगी, और हो सकता है हमें आईएस नेटवर्क में प्रॉफिट बुक करने का भी मौका मिले, तो उस पर भी हम उसी टाइम पर बात करेंगे। तो फिलहाल गाइज ये था इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग की डिमांड थी, इस वजह से ये वीडियो बनाना जरूरी था। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो सही लगी होगी, तो डेफिनेटली मुझे लाइक कर देना वीडियो को, सॉरी मुझे क्या, और कमेंट भी जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।